आप लोगों को लगता है कि इस तरह ना खाकर आप अपना वजन कम कर सकते हैं, तो क्या आप अपने आप को हेल्दी कहेंगे? क्या आप एक्टिव होंगे? आपकी स्किन क्या इस तरह करके अच्छी सी ग्लो करेगी? आपके बाल क्या बेहतर होंगे? नहीं ना, ट्राई डूइंग व्हाट आई डिड. व्हाट आई डिड वाज आई एट एवरीथिंग. कैसे? ये जो आप हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड एंड इवन इन आर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री भी, आप जितनी एक्ट्रेसेस हैं, मेजॉरिटी टाइम्स आप उनको सुनेंगे कि वो कहेंगे कि हमने सब कुछ खाया लेकिन एतदाल के साथ, इन मॉडरेशन. दैट्स व्हाट आई डिड. एंड स्टेप नंबर वन जो मैंने किया अपनी इस जर्नी में वॉज अपने पोर्शंस को कंट्रोल किया. अच्छा, आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं, मेजॉरिटी टाइम्स ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता एंड यू क्रॉस द लिमिट. मतलब कि जब पेट भर गया उसके बाद भी यू एंड अप ईटिंग, एंड अप मेरी तरह चखते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं. जैसे आप दाल चावल, दाल चावल वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस, मैं जब भी वो अपनी प्लेट में डालती हूँ तो अक्सर ये होता है कि दाल थोड़ी सी रह गई तो चावल और डाल देती हूँ. अच्छा, चावल डाल दी, थोड़ी सी दाल डाल देती हूँ, फिर खा लेती हूँ. फिर दिस कीप्स ऑन हैपनिंग. रोटी से ज़्यादा चावल कंज्यूम होता है एंड एट टाइम्स इसीलिए वो ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है. एंड देन वन ऑफ माई फेवरेट फूड, कराचीज फेवरेट स्ट्रीट फूड, कबाब रोल. ओ माई गॉड, बस सिर्फ नाम सुना ना तो कोई खुशबू सी आ गई बस मुझे. मतलब एक प्लेट में आप एक रोल ऑर्डर करें और एक प्लेट में आप टिक्का और पराठा ऑर्डर करें, इमेजिन कौन सा आपको ज़्यादा फीलिंग लगता है. आपको टिक्के और पराठे की जो प्लेट है वो आपको लगता है कि जैसे ओ माय गॉड आई एम हैविंग अ होल मील, मैं पूरा टिक्का खा रही हूँ और मैंने पूरा पराठा खाया. वेयर एज जब हम रोल ऑर्डर करते हैं वो इतना स्लीक, इतना स्लेंडर होता है. वो एक खा के तो मैं तो एटलीस्ट कहती थी कि अभी और पराठे रोल में क्या मसला है यार, वो तो एक दो तो ऐसे ही फाक लेते पता ही नहीं चलता. लिटरली 2 से 3 मिनट लगते हैं आपको एक रोल ख़त्म करने के लिए. क्या हुआ? इट्स द सेम थिंग्स, बट क्योंकि उसको प्रेजेंट ऐसे किया है कि आपको लगता है कि ये शायद कम है और ये ज्यादा है. दैट शुड नॉट बी द केस. मूविंग ऑन, आलसी और ढीठ लोगों के लिए हियर आर सम टिप्स. कंट्रोल तो अब तुमसे होना नहीं है, तो द लीस्ट दैट यू कैन डू इज ना यूज अ स्मॉलर प्लेट. और अगर ये मुश्किल लग रहा है और बहुत जुल्म हो रहा है, देन यू डिजर्व टू ईट इन दिस तश्तरी. आहिस्ता आहिस्ता चबाएं. च्यूइंग स्लोली बेहतरीन तरीका है आपके पोर्शन साइजेस को कंट्रोल करने के लिए. जब आप आहिस्ता आहिस्ता चबाएंगे और अपने खाने को अच्छे से मुंह के अंदर ही ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ मैदे में डबल मेहनत नहीं लगेगी. फिर मैदा ना इंपॉर्टेंट कामों में लगेगा, ना कि आपका ये अधूरा काम कंप्लीट करने में. अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. ये जो हम नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हुए सारी सारी रात खाते हैं ना, इससे ज़्यादा गलत चीज़ कोई नहीं हो सकती. क्योंकि हमने ना पूरी सीरीज देख के ही उठना है और तब तक हमारा मुँह चलते रहना चाहिए, विच इज़ रॉन्ग. सो वी नीड टू क्लोज दिस. ओके, मेजर योर फूड. इससे नहीं, यूज मेजरिंग कप्स, यूज मेजरिंग स्पूंस, यूज अ फूड स्केल. और अगर कुछ भी ना हुआ ना, देन यूज The fist method. निकल गई क्या वो? लेकिन वो आ जाएगा. अब एक मुट्ठी इज इक्वलेंट टू एक कप ऑफ सर्विंग. सो एक मुट्ठी इज इक्वलेंट टू वन सर्विंग, दो मुट्ठी टू सर्विंग्स. इसी तरीके से अगर आपको मीट खाना है तो आप उसको या तो पाम ऑफ योर हैंड यूज करेंगे उतना जितना आप इस्तेमाल करेंगे, या तो फिर 4 उंगलियों के बराबर आपका गोश्त, जो भी है, चिकन है, मीट है, फिश है, जो भी है, वो आपकी प्लेट में आएगा. द प्लेट मेथड. प्री पोर्शनिंग योर फूड एक बेहतरीन तरीका है आपके पोर्शन साइजेस को कंट्रोल करने का. हैंस इससे आप ओवर ईट नहीं करेंगे और आपको कैलोरीज काउंट करने की भी टेंशन नहीं होगी. द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डू इज मेक अ हेल्दी प्लेट. नाउ व्हाट इज अ हेल्दी प्लेट? अपने सर्विंग साइजेस को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका विदाउट काउंटिंग योर कैलोरीज. ये टेंशन ही नहीं है, कैलोरीज पे करेंगे अगली एपिसोड. ये देखें कि कैसे होता है. सबसे पहले आपकी जो ये प्लेट है इसे हैप्पी और हेल्दी बनाने के लिए
इस प्लेट को आप करेंगे हाफ में डिवाइड, मार्कर से नहीं बता रही हूँ, सिर्फ करने ना लग जाना। हाफ पोर्शन ऑफ योर प्लेट जो है वो भरी जाएंगी 2 cups of veggies से। 2 cups of veggies हम कैसे नाप रहे हैं? विद द फिस्ट। सो 2 cups of veggies इज इक्वल टू 1/2 cup of plate। इसके अंदर हम डालेंगे सारी सब्जियां, सारे जो सैलड्स होते हैं ना, इसमें आपकी प्याज आ जाएगी, खीरा आ जाएगा, आपका गाजर आ जाएगा, इसके अंदर आपके जितने भी ग्रीन लीव्स हैं वो सारे आ जाएंगे, आपकी सारी चीज़ें आधी प्लेट में आपकी शदीद हेल्दी और फुल बार किस्म की जो है ना एक प्लेट बन गई। सेकेंड इज ये जो आधी बाकी आपकी प्लेट थी उसके आप करेंगे 2 portions, ठीक है। इनमें से 1 portion है कार्ब्स, 1 portion है वेजीज और ये लास्ट पोर्शन है प्रोटीन्स। ये 2 portions हो गए, ये 1 portion है। 1 portion ऑफ कार्ब्स में क्या क्या आ जाएगा? नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आ जाएंगे, आपकी रोटी आ जाएगी इसमें, आपका ब्राउन राइस चावल आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर आपके कॉर्न्स आ जाएंगे, पीज आ जाएंगे, आप इसके अंदर अपना होल व्हीट पास्ता, नूडल्स, सब कुछ, मतलब समझो ना, समझो कि मैंने सब कुछ खाया लेकिन पोर्शंस में, समझ आ रही है? सो यहाँ से मेरी कार्ब्स की जो क्रेविंग्स हैं वो सब कुछ है वो पूरी हुई। देन वी कम टू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या था? 4 fingers या तो फिर पाम ऑफ योर हैंड इस साइज का, इतना जितना आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन अगेन कैन बी एग्स, इट कैन बी दाल, इट कैन बी चिकन हो सकती है, इसमें फिश हो सकता है, एनी टाइप ऑफ प्रोटीन जो आप इस क्वार्टर ऑफ द प्लेट में इस्तेमाल करेंगे। नाउ ये बन गई आपकी हेल्दी प्लेट। अब ये इतनी हेल्दी चीज़ें खा ली तो फिर दिल करता है कि कुछ मीठा हो जाए, तो मीठा इसमें कहाँ आएगा? मीठा आएगा यहाँ, 2 fingers, 2 उंगली जितना मीठा आप कंज्यूम करेंगे। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि जहाँ मैं एक पूरी कोन ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करती थी इन मैकडॉनल्ड्स, अब मैं जाती हूँ, आई जस्ट आस्क फॉर दैट मिनी फ्री कोन्स जो नहीं होती, आई जस्ट आस्क फॉर दैट, आई गेट दैट, मेरी क्रेविंग हो जाती है पूरी, मुझे ठंडा ठंडा मीठा मीठा और वो खुशबूदार आइसक्रीम जो है ना वो भी मुझे मिल जाता है, मेरी वो क्रेविंग भी होगी, मेरी हेल्दी प्लेट के अंदर वो पोर्शन भी कंट्रोल हो गया, तुम भी खुश, मैं भी खुश, अम्मी भी खुश, शौहर भी खुश, बच्चा भी खुश, ज़िंदगी खुश। अब ये तो थी गोरों की प्लेट, अब हम देसीज अपनी प्लेट कैसे बनाते हैं? सिंपल, वही प्रोटीन्स हैं, वही कार्ब्स हैं, वही वेजीज हैं, पोर्शन वही हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेज हैं अकॉर्डिंग टू द कल्चर, द प्लेस दैट यू लिव इन। सो जब ये मील हो गई है तो अब बेवरेजेस का क्या होगा? प्लीज़ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इस्तेमाल करना बंद करें, प्लीज़ बीच बीच में मेरी तरह पानी पीना बंद करें। मैं पहले शरबत में आई जो मैंने स्टेप 3 में बताया था, उसके बाद मैं पानी में आई हूँ, अब मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल कि मैं पानी भी छोड़ दूँ। मेरी मम्मा, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, सब नौ उनमें से कोई भी खाने के बीच में पानी नहीं पीता, खाने के बाद पानी नहीं पीता। मम्मी को मैंने जब से देखा ना हमेशा खाने के एटलीस्ट 1/2 घंटे के बाद पानी पीती, वरना नहीं पीती। सो डू दैट। और जब आपको ये बेवरेजेस लेनी है तो उसमें आपने क्या लेना है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह यू विल टेक कॉफ़ी विदाउट शुगर या विद बहुत कम चीनी शुरुआत के लिए, यू विल टेक चाय, अगेन कम चीनी या चीनी की जगह एनी स्वीट ऑल्टरनेट, और इसके अलावा आप गर्म पानी या नींबू पानी ले सकते हैं आफ्टर दिस मील। नींबू इज़ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, ये आपके जिस्म के अंदर जितने भी बैड बैक्टीरियाज है उनसे फाइट करता है बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिटी। क्रक्स ये है कि नींबू इज़ वेरी गुड फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ योर बॉडी। अगेन प्लीज़ डू चेक कि लेमन आपको सूट करता भी है कि नहीं, बहुत से लोगों को नहीं करता। बीच में मैं बिल्कुल लेमन इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती थी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने अपने हिसाब से, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से चेंजेस करनी है। अब यही चीज़ें जो आपने इस प्लेट में देखी हैं, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट ऑल ऑफ दिस इनटू अ सूप, इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती। मुझे सूप पर्सनली इतना पसंद नहीं है, बट अगर आप सूप ही बनाने लगें तो उसी तरह उतने ही पोर्शंस में आपने सारी चीज़ें नापनी है और सूप कंज्यूम कर लेना है। पीपल प्लीज़ रिमेंबर, वी नीड टू टेक हेल्दी ऑयल्स, हेल्दी फैट्स अपनी डाइट में हमें रेगुलरली इस्तेमाल करना है। तो नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, ये चीज़ें आपने रेगुलर तौर पे कंज्यूम करना है ताकि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो और आपके अंदर वो हेल्थ हो, और अगेन वो डाइजेशन में ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टिप, ट्रिक, हैक, इम्पॉर्टेंट थिंग
टू डू व्हेन यू स्टार्ट अ वेट लॉस जर्नी, द लीस्ट 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 यू कैन डू बॉडी शेपर से भी पहले इज कि इमीडिएटली अपना फूड पोर्शन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। और कोई तरीका है अगर कुछ और शेयर करने का जिससे ये जर्नी थोड़ी सी और इफेक्टिव और ज़्यादा हेल्दी हो जाए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर लव वन। क्या पता कहीं भी किसी को शायद कोई थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। आज का दिन और आज से आने वाले सारे दिन हम सब के लिए लम्हा बस बेहतरीन साबित करना। So till the next video, this is Allah Hafiz.